अल्लाह ने दिया कि हमें रमजान को कबूल। बहुत सारे लोग छुट्टियाँ रहते हैं अपने इदारों से और ये सोचते हैं कि वो छुट्टियों को अच्छा कहाँ गुजारें, जिनके पास होताई होते हैं वो डिमांड अगर कर जाते हैं। कुछ लोग दीनी विकास के कहते हैं जुम्मे में चले जाओ, कुछ ऐसे होते हैं कि वसाई भी कम है वक्त भी कम है तो चलो इधर चले जाए नॉर्दर्न एरिया में चले। तो अपनी अपनी ना एनुअल लीव्स को गुजारने की वेरी गुड, क्या ही मजा हो कि हम अपनी एनुअल लीव रमजान में अल्लाह के लिए गुजारें, अल्लाह का महीना अल्लाह के लिए गुजारें, ये भी मुखंडा के लिए हो सकता है। ये भी तो आइडिया एक है ना, लेकिन ये आइडिया हमें रखा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि आते जाते रहा करें, आता रहेगा तो ये चीज़ें मिलेंगी जो बड़ों की चीज़ें, क्योंकि हमारे बड़ों की तरतीब रही है कि रमजान के लिए रमजान से पहले ऐसे काम करते थे कि रमजान में बस अल्लाह को मनाना है, रब को मनाना। अब रमजान कैसे गुजारे? आज हमारा उनवान क्या है, रमजान मुबारक कैसे गुजारे? सबसे पहली बात, हम गुनाहों को छोड़ने का इरादा करें, वजह क्या? एक साहबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज किया या रसूलुल्लाह, मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ तो मैं गुनाहों को छोड़। जो शख्स गुनाहों को छोड़ देगा ये सबसे बड़ा इबादत गुजार बन गया। तो हम इरादा करें कि हमने गुनाहों को छोड़ना है। बाद लोग ये कहते हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा हम गुनाह छोड़ ही नहीं सकते, हमें इतनी आदत पड़ गई है। चंद दिन पहले मैं किसी ने कहा कि जी मुझे बैल महरम से ताल्लुक हो गया, नहीं मैं निकल सकता, मुमकिन ही नहीं। जब हमने दिमाग में सोच लिया कि हम नहीं कर सकते, वो वापस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो दिमाग को सही करने की जरूरत है, फिर कर सकते। बड़े से बड़ा गुनाहगार भी इरादा करके हिम्मत करके नेकी शुरू कर दे, बड़े से बड़ा नेकोकार बन सकते। अल्लाह तो बड़े रहमी होते हैं, तो हम अल्लाह की रहमत को छोटा ना समझे। भाई हम छोटे हैं ना, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो अल्लाह से मांग ले, अल्लाह दे दे। तो हम एक तो गुनाह छोड़ने का इरादा करें और दिमाग में यकीन रखें, दिल में सोच लें कि हाँ ये मुमकिन है। उसके बाद फिर अब कैसे करें, अब चंद स्टेप्स हैं। भाई जिस आदमी ने सोच लिया कि मुझे अपने अंदर से गुनाह या बुराइयां अपनी बुरी आदत मिटानी, तो अमलन आगे वो क्या करे? सबसे पहले वो ये करे कि अपनी बुरी आदत की एक लिस्ट बनाए, एक पेपर ले ले और अपनी बुरी आदत की लिस्ट बनाए, अपनी गलतियों की, कोताहियों की, गुनाहों की, जो चीजें उसके अंदर कमियां हैं, एक आदमी गालियां देता है लिख ले, एक आदमी बेटा गुस्सा है क्यों करने लगता है लिखे, अंदर रियाकारी की कोई बात है कि जी मैं हर जगह पसंद किया जाऊं लिखे, ये बीमारी है। लोग कहते हैं कि यार सेल्फी बनाना जायज है कि नाजायज, अरे भाई दिखावे की नियत से हर्ज करना भी जायज नहीं है, तो और कह रहे हम तो कौन कौन सी कमी बताई है, माँ बाप है वक्त देता हूँ, बीवी बच्चों को वक्त देता हूँ नहीं देता, तो जो हमारी कमी बताई है उनकी एक लिस्ट बनाए। एक बार आपको टिप बताऊं, अगर आपको ज्यादा अपनी कभी बुराइयां बुराइयां नजर ना आ रही हो तो आप शादीशुदा हैं, अपनी बेगम को देखने में मेरी बुराई नहीं सुन, फिर देखें क्या होता है। तो भी कहते हैं कि बेगम की बात अगर आगे तो एक बात जरूरी है कि बेगम बात जो ना तालिबान की माने को होती है, अपनी कोताही को दूर करने के लिए कोताही का इल्म होना जरूरी है, तो हम किसी से वो शेयर नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें अंदाजा होता है हमारे अकाबरीन में कई और गिरा बाद हमारे हजरात अपनी शख्सियत को छुपा कर यानी भेद बदल के आम लोगों में बैठते कि वो हमारे पीठ पीछे हमें क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे मेरे सामने कह रहे हैं, मैं वो हूँ जो आप मेरे पीछे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं कौन हूँ,
अभी आजकल तो बड़े जबरदस्त किस्म के ना एप्लीकेशन आ गई है, बड़े आसान, बड़ी आसानियां हो गई। अलार्म ऐसा लगाए कि उसको बंद करना, ऐसा ना हो कि आपने हाथ लगाया बंद हो गया, ऐसे नहीं। उसमें ना क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन होता है। लगा दें मैथमेटिक्स का मुश्किल था, 19 को 119 का जरब देना है, जब आप सही लिखेंगे तो वो बंद हो गया, चुप नहीं होगा। अब नींद से जो आके खुलेंगी और जब 19 को 119 का जरब देना होगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा, जब दिमाग हाजिर हो जाएगा तो फिर थोड़े जो है उठ भी जाए। इस तरह के ऑप्शन था, दीदी को कह दिया, बहन को कह दिया, अम्मी को कह दिया, अम्मू को कह दिया, मेरे को जो उठा दिया, तो ये बात तय कर। फिर भी ना हो तो अब है दांतों में भूत वाली बात, जो नफ्स की सजा की बात शुरू में नहीं थी वो असल में आप करने लगे। ठीक है, मिसाल दे रहे हैं फजर की नमाज पढ़ा, अब नफ्स को क्या सजा दे, कोई आज मैंने सारा दिन रोजा रखा, आज मेरा रोजा सही तरीके की कोई बात नहीं, रोजा रखा 3-4 दिन ऐसे रोजे रख लिए ना तो बहुत फजर में आप करेंगे आजमाइश। एक आदमी उसके लिए रोजा रखना मुश्किल नहीं है तो वो ये वाली बात ना रखे, उसके लिए नमाज पढ़ना अगर ज्यादा मुश्किल है, आज अगर फजर में ज्यादा होगी ना 20 रकात नफिल मैंने पढ़नी, चंद दिनों में सीधा हो। लेकिन कोई आदमी है तो उसके 20 रकात पढ़ने में मुश्किल नहीं, पढ़ सकता है, उसके लिए मुझे हल नहीं है। क्योंकि आज मेरी नमाज पढ़ा होगी ना, आज 5,000 रुपये जो है वो अल्लाह के रास्ते में मिले, 2,000 रुपये अल्लाह के रास्ते में मिले, फिर ठीक हो जाएगा। कुछ अमीर आदमी भी हो सकते हैं कि 2,000 देना कोई मुश्किल नहीं, रोजे देंगे वो, फिर रोजे वाली पर आए, नमाज वाली पर आए, तो ऐसी चीज पर हर आदमी देखे कि मेरे लिए मुश्किल क्या है, असल तो सजा देना मुश्किल है, तो इंशाल्लाह 10 दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। शैतान भी रहेगा इधर, एक नमाज पढ़ा होती है, अदा भी करता है, तौबा भी करता है, गुनाह भी माफ करवा देता है, ऊपर से 20 रकात भी पढ़े, इसको नमाज के लिए उठने तो बेकार नहीं आता। अच्छा, यहाँ तक सारे का किसी ने कर लिया ना तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हमारी आदत है ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। देखिए मैंने मिसाल दिया है हमारे बच्चे की ना, फिर भी मसला हल ना हो और गुनाह ना छूट रहे हो तो फिर एक तीर बहाना बिल्कुल जाकर टारगेट पर लगे, एक निशाना है, एक अमल है, उस अमल को कहते हैं मुराकबे मौत। मुराकबे मौत करें, एक हफ्ते के अंदर ऐसे रोंगटे खड़े होंगे, बंदा ऐसा सीधा हो जाएगा तो माशाल्लाह सूफी साहब तशरीफ करेंगे, तो कहेंगे जी आपको वो अच्छा वही है, मैं तो नहीं थोड़ा चेहरे पे दूर आए घर पे तो देखना मुराकबे मौत ठीक क्या होता है, लेकिन रात को आंखें बंद करके बसते और सोचते हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं, मेरी रूह निकल रग रग से रूह निकल रही है, इमेजिनेशन सोचो निकलनी तो है ना, ये रग रग से रूह निकाली जा रही है, घर वाले रो रहे हैं, इधर कोई कफन का इंतजाम, इधर गुसल का इंतजाम, और जनाब फिर उधर चारपाई में नया लगे मकान के जनाब लेके जा रहे हैं, और फिर कब्रिस्तान में कबर खो दी गई, मुझे अंदर डाल दिया, मनो मट्टी मेरे ऊपर फेंक दी सारी जगह, अब मैं गिला हूँ खबर में, सोचे क्या बने, सोचे मैं नमाज पढ़ता था ना, ये कदाचो खबर आकर नमाज में उसे रोक दी, सदका देता था और कदाचो खबर आकर उसने उसको रोक दी, उनके पे गिला, हाँ भाई अरे भाई जिंदगी में दीन का काम करता रहा, क्या पूछते हो, पूछो मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पूछते हो बता रहे, कोई देखे डॉक्टर जनाब सोचे खबर तो जहां इतनी बड़ी हो गई, जहां तक निगाह वहां तक कवर, इधर जन्नत के बाप और जनाब हवाएं और खुशबुएं और मजेदार चीजें, इसको सोचो फिर कयामत के दिन अल्लाह की रहमत, नबी की शफाअत, मुबारक हाथों से जामे कौसर, अर्श का साया, ऐसे जनाब ये जन्नत में जा रहे बगैर हिसाब किताब, ये वाली ना तरतीब बनाए। फिर अगले दिन ना साइड चेंज कर ले कैसेट की, अब तो कैसेट नहीं लोगों को पता, पहले ना कैसेट की साइड चेंज करते, अब क्या होता है अब अपग्रेड कर लेते ना, अदरवाइज तो ना बी आईडी पे चले, कैसेट की साइड बी लगा दे,
जितना कल रात को सोचा था ना आज उसको अड्डा सोचा फिर बस कुछ और रू तो निकाली गई कबर में डाल दिया गया फरिश्ते आ गए सवाल पूछने जवाब भी दिया जाएगा। अब कबर जो है ना ऐसे कब्रिस्तान में करके दिखाया ऐसे भेजती है इधर की पसलियां उधर की पसलियों के अंदर चलेंगे कबर ऐसे दब गई कबर के अंदर आग सांप और बिच्छू फजर मजा करता था सांप आ गया जोर तक काटेगा जैसे तो कयामत के दिन की गर्मी होना की और शर्मिंदे की फिर जहन्नम को सोचे बस ये वाली जो साइड है ना साइड बी किसी तरह को तो जिनको तो शौक है सीधा होने का कि रब के हुजूर ऐसे जाओ कि रब राजी हो उनके लिए फिर हुज्जत पूरी होगी करने वाले काम सारे आ तो हम इरादा करें कि हमने अल्लाह को माना तो रमजान मुबारक का महीना हम ऐसे गुजारे कि रब को हम पर प्यार है कि अल्लाह का महीना उसकी इज्जत करे कदर तो इसमें चंद बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रमजान के महीने की तरगीब किया करते थे शौक दिलाया करते थे कि जो फरमाया तुम्हारे ऊपर बरकतों वाला महीना आ रहा है हम बरकतें मांगते हैं ना आ गया बरकतों वाला महीना इसमें अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो करे हमारी बात को सुने हमारे हालात पे गौर करे हमसे मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला तवज्जो देते हैं हम सब चाहते हैं हमको रहमतें बरसे फरमाया कि इसमें तो खुद बहुत अल्लाह तुम पर रहमतें बरसाते हैं तो बरकतें भी हो गई तवज्जोहात भी अल्लाह की मिल गई और रहमतें भी मिल गई ऑटोमेटिक आई चली जा रही है फिर हमारी ख्वाहिश क्या है हमारी गुनाह माफ हो फरमाया कि खुदाओं को माफ फरमा देते हैं गुनाहों को माफ फरमा देते हैं फिर हमारी तमन्ना क्या है दुआएं कबूल होती हैं हमारी तमन्ना क्या है कि हमारी दुआएं कबूल हो हमारी तमन्ना है कि नहीं हमारी ये तमन्ना है कि हमारी दुआएं कबूल हो फिर इंसान ने खुद फरमा दिया ये महीना ऐसा आ रहा है जिसमें दुआएं खुद बहुत कबूल होती है तो सारी ख्वाहिशात तो पूरी हो गई पीछे रह गया क्या बरकत की हम ताले बरकत वाला महीना तवज्जो की अल्लाह ताला की हम ताले तवज्जो अल्लाह खुद देते हैं रहमत के हम तालिब रहमत खुद बहुत मिलती है गुनाहों की माफी के हम तलबगार गुनाह भी माफ होते हैं और दुआओं की कबूलियत के हम तलबगार दुआएं भी कबूल होती हैं सारे को मसले हो गया था कैसी बात मजेदारी वाली बात है महीना फिर आगे क्या फरमाया अल्लाह अकबर फरमाया यंजुरुल्लाहु तआला अल्लाह ताला तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं तनाफुस कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ना जैसे क्लास रूम होता है ना उसमें 50 बच्चे होते हैं हर एक की ख्वाहिश होती है मेरे नंबर ज्यादा है मेरे ज्यादा है कोशिश करता है दौड़ लगाता है फिक्र करता है अल्लाह ताला हमें देख रहे होते कौन ज्यादा मेरी मोहब्बत को पाने के लिए जन्नत में आने के लिए मुझे राजी करने के लिए कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है तो हम अल्लाह को मेहनत करके दिखाए अल्लाह रमजान का महीना आया सारी दुनिया के काम छोड़ के आपकी तरफ आए अल्लाह अल्लाह को बोल तो फिर ये हमें मेहनत करनी चाहिए रमजान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में इबादात में अंदाज में फर्क आ जाता था तब्दीली आ जाती थी फर्क पड़ जाता था सहाबा किराम फरमाते हैं उन्होंने नोट किया ना कि नबी अगर जैसे रमजान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन बातों में बहुत ज्यादा इजाफा देखते एक बात क्या इबादत में इजाफा हो आप तो पहले ही इतनी इबादत करते हैं कि सारी सारी रात काटता है दौर रहा हूं बदमाओ पांव मुबारक में गर्म आ जाते हैं आपकी तो वैसे ज्यादा इबादत इतनी थी और रमजान की इतनी और बढ़ा दिया करते थे तो इबादत में इजाफा सावर हो जाते थे तो हम भी इस दफा ऐसा रमजान गुजारी के लोग देखें कि हाँ वाकई इबादत में इजाफा हो दूसरी बात दुआओं के अंदर इजाफा बहुत ज्यादा दुआएं मांगते थे और तीसरी बात अल्लाह के रास्ते में खूब माल खर्च करते आपकी आम तौर से भी सखावत बहुत ज्यादा थी लेकिन रमजान में तो तेज हवाओं की मानी थी तो तीन काम होते तो हम भी रमजान में जो है ना इरादे कह रहे कि खूब नेकी करें बल्कि हमारे काबीन में पुराने जमानों में किसी के बारे में पूछा जाता ना ये बंदा कैसा है इसकी बुजुर्गी कैसी है तो लोग कहते हैं इसने इतने रमजान गुजारे हैं जिसने इतने रमजान गुजारे उसका मुकाबला थोड़ी कर
कि रमजान तो हमें अल्लाह के करीब करने के लिए रमजान में जिसने चार काम कर लिया उम्मीद रखे यकीन रखे इंशाअल्लाह उसकी मंजूरत हो जाए। कौन से चार काम है? नंबर एक, रमजान मुबारक का एहतराम करना, अदब करना। कौन सा जी? एहतराम रमजान। दूसरा काम, आदाब के साथ रोजे रखना, रोजे मुकम्मल आदाब के साथ, सारे एसओपीस के साथ रोजे रखना। नंबर तीन, गुनाहों से अपने आप को बचाना। और नंबर चार, इबादात में कसरत करना। ये चार काम जिसने कर लिए ना, बस उसकी मगफिरत हो। रमजान का अदब, रोजे पूरे एसओपीस के साथ, तरीका आदाब के साथ, गुनाहों से बचना और इबादात में आगे। ये चार काम करने और क्या करने, बस इतना सा काम है, एक महीना गुजर ही जाएगा। हम अपने रोजों की हिफाजत करें, हम अपने रोजे की हिफाजत खुद करें। खाली रोजा रखना नहीं है, उसकी हिफाजत भी करनी है। बहुत सारे लोग रोजा रख के हलाल कामों से तो बचते हैं, हराम से नहीं बचते, ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं। खाना पीना हलाल है, दिल में नहीं खाते, फ्रिज में रखा होता है, भूख भी होती है, हमने पड़ा होता है, नहीं खाते, हलाल नहीं खा रहे, क्यों? कोई रोजा है, आराम किए जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट पे लगे हुए गलत एतबार से। ये तो वो रोजेदार हैं जो रोजा रख के हलाल से तो बच रहे हैं, हराम से नहीं बचते, उल्टा मामला हो गया। तो अपने रोजों की हमने हिफाजत करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि उसे फाड़ ना डाले। पूछा गया, कैसे फटता है? गुनाहों से, जीवन से, इस तरह की चीजों से फट जाता है। तो अपने रोजे की हिफाजत करें। हदीस में आता है, कितने लोग ऐसे हैं रोजेदार जिन्हें सिवाय भूखा प्यासा रहने के लोगों से, कितने रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजा रखने के बाद सिवाय भूख प्यासे मिलता कुछ नहीं। क्यों? रोजा भी रखा और जनाब इंडियन मूवीज भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी देख रहे हैं, अभी हॉलीवुड लगा लिया, अभी बॉलीवुड लगा लिया, अभी बॉलीवुड लगा लिया, नहीं तो सेहत का अफ्तार लगातार तो पैकेज लिया हुआ है, उसमें अपने वक्त बर्बाद कर। तो रोजा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, गुनाहों से भी बचने का। हदीस में अंदर आता है, जो बंदा झूठ और अपने अमल के खोट को नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला की बात की कोई परवाह नहीं, भूखा प्यासा रहे ना रहे, इसका कोई नहीं। कुछ लोगों को रोजा ज्यादा लगता है। आम तौर से ज्यादा रोजा रखने की क्या वजह होती है? तकवा में कमी, गुनाहों में मुलव्वस हो जाना, रूहानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। एक ना बंदा बीमार है, मजबूर है, कमजोर है, वो एक अलग बात है, लेकिन नौजवान सेहतमंद आदमी को भी रोजा का लग रहा है, उसकी वजह क्या होती है? वो गुनाहों में मुलव्वस। ये गुनाह ऐसे होते हैं कि हमें रोजा रखने नहीं देते, रोजा भारी कर देते। तो हमने क्या करना है? रोजे की हिफाजत करें। दूसरा काम क्या करना है? इबादत में कसरत करनी। सारा साल आदमी इबादत करने से कौन रोकता है? शैतान ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान में शैतान को पकड़वा के टेस्ट करवा देते। अल्लाह ताला ने भी कैसा जबरदस्त निजाम बनाया, जो रुकावट है दुश्मन है उसको तो पकड़ के टेस्ट करवा दिया। मदद किसकी हुई? हमारी, ईमान वालों की। और दूसरी तरफ उन्हें तरगीब दी, देखो दुश्मन खत्म, दुश्मन सामने नहीं है, मैदान खुला है, आ जाओ, नफिल को फर्ज के बराबर, फर्जों को सत्तर को सर देते आओ ना। आइडियल एनवायरनमेंट में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो खूब ज्यादा इबादत करें। नफिल फर्ज के बराबर और फर्ज सत्तर को ना, ये ऑफर चल रही है, इस ऑफर को अवेल करें अच्छे तरीके से, इस पैकेज को हम मिस ना होने दें। अभी भी अगर हमने इतनी बातों के बाद दुश्मन कैद हो गया, जब से ऑफर भी आ गई, अगर हमने इबादत न की, जिसका मतलब तो हम खुद काफी है। अपने आप को समझाएं, सारी जिंदगी सारा साल अपना जो करते रहे एक महीना तो गया,
और ये बात याद रखें, मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, नींद भर कर वही सोया जो के जागा होगा। कब्र में आराम तो उसी को मिलेगा जिसने दुनिया में मेहनत की। हम सब रातों को जागते हैं, किसी दफा परेशानियों में जागते हैं, किसी दफा खुशियों में जागते हैं, कभी पीएसएल के लिए जाग रहे, कभी घर में शादी है उसमें जाग रहे, कभी कोई बीमार है उसमें जाग रहे, कभी सफर पर जाना आना है मोटरवे पर है जाग में, रेलगाड़ी में रात को जाग रहे, कभी इंटरनेट के ऊपर जाग रहे। तो जागते तो बंदा हर कोई, कभी रूम में जाग रहे, तो जागना तो पड़ता ही है। तो रमजान में मजा के लिए इबादत के लिए जागे, ये जागने में कुछ और होगा। याद रखें थकन उतर जाएगी, सवाब बात यह रहेगा। पिछले साल भी अगर हमने किसी रात को जागा था तो पिछले साल की थकन किसी को एक बात खड़ा करे, पिछले साल अगर किसी ने एहतिकाफ किया और पांच रातें वो आखिरी काफ पांच रातें जागता रहा, उसकी थकन किसी को है? पिछले साल की तो कोई थकन नहीं, तो खत्म हो गई, लेकिन अजर बाकी है। इसको भी हम समझें कि भाई ये तो वक्त नहीं है सर। तो रोजों की हिफाजत करनी है, इबादत की कसरत करनी है, और तीसरा क्या करना है, दुआओं की कसरत करनी है। रमजान मुबारक में खूब दुआएं मांगनी है। एक बहुत मजेदार पॉइंट आपको बता देते हैं, हदीस के अंदर आता है, हदीस में आता है रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल ही होती है। तो मजे हो गए कि नहीं हो गए ये बताइए। सहरी के वक्त भी दुआ कबूल होती है और अफ्तारी के वक्त भी दुआ कबूल होती है। एक दिन में कितने मौके हो गए? दो। ये क्या मौके बने? दो ब्लैंक चेक। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 तरफ दो कितने हो गए? 60। 60 ब्लैंक चेक हमारे पास है जिसमें कबूलियत के साइन हो चुके हैं, फिगर हमने लिखी है जो चाहिए। ये बात समझ में आ रही? अब अगली बात देखिए, शरीयत कहती है तुम किसी को मजदूरी के लिए बुलाओ तो मजदूर को मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले दे दो, ऐसे ही। अब अल्लाह ने कहा रोजा रखा तो मजदूरी है ना। जो परवरदिगार हमें हमसे ये चाहता है कि हम अपने मजदूर को मजदूरी जल्दी दे दें, वो कितनी जल्दी देगा? वो कितनी जल्दी देगा जब उनके देने का वक्त उनके देने का मामला आएगा, तो कितनी जल्दी अल्लाह का फरमाएंगे? बात समझ में आ रही थी। अगला पॉइंट, हम किसी को जो घर में मजदूरी के लिए बुलाते हैं, मिसाल के तौर पर ये बल्ब खराब हो गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने हैं, हम क्या करते हैं? जब उसको बुलाते हैं तो उससे पहले पैसे तय करते हैं, ये कहते हैं काम कर लो बाद में जो मांगोगे दे देंगे? कभी ऐसा क्यों? हम मजदूरी तय करते हैं क्यों? बाद में ज्यादा रकम मांगते हैं, ये हमारा हाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो देने वाले हैं, वो फरमाते हैं मेरे बंदो तुम पूरे आदाब के साथ रोजा रखो, मजदूरी तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुम मांगो। यहां तक सारी बातें समझ में आने ली? अब एक और पॉइंट इससे भी ज्यादा अहम, इससे ज्यादा अहम पॉइंट भी जरा सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। अल्लाह अकबर। देखिए, अगर कोई इससे ज्यादा एक और अहम पॉइंट समझ लीजिए, अगर कोई अल्लाह का वली जो वाकई वली हो अभी हमें कह दे कि मेरे दिल में इल्हाम हुआ ये तो ये वक्त जो है कबूलियत दुआ का वक्त है, ये वक्त कौन सा है? कबूलियत दुआ का वक्त है, दुआ मांग लो। उस वक्त हम क्या करेंगे बताएं? दुआ मांगेंगे। अगर उसे टेलीफोन कॉल आ जाए क्या करेंगे? टेलीफोन कॉल अटेंड करेंगे, दुआ मांगेंगे। उस वक्त तो बेगम साहब आपको पकौड़े बना के लिए दीदी, जरा पकौड़े खा लीजिए बड़े टेस्टी हैं, पकौड़े खाएंगे दुआ मांगेंगे, दुआ मांगेंगे। अच्छा, उस दौरान अगर टॉयलेट जाने का तकाजा पेश आ जाए तो दुआ को छोड़ के टॉयलेट चले जाएंगे या दुआ मांगेंगे? दुआ मांगेंगे। कोई मिलने आ जाए, बैल बच्चे कि मैं आपसे मिलने आया हूं, तो दुआ मांगेंगे या सारे काम छोड़ के उसको मिलेंगे? दुआ मांगेंगे। यानी जब हमें किसी
यानी जब हमें किसी नेक अल्लाह के बंदे ने ये बता दिया कि कबूलियत दुआ का वक्त है, दुआ मांगो, उस वक्त हम सारे कामों को छोड़कर फकत दुआ मांगो। खुद ही अंदाजा लगा लें, अफ्तारी के वक्त तो वलियों के सरदार, औलिया के सरदार, अंबिया के सरदार, मलाइका के सरदार, अब वली आखिरी के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूलियत दुआ का वक्त है, हम तो जनाब तो भाई कबूलियत दुआ का मौका है, गोल्डन चांस है, हम लाएंगे, हम उनको जाया ना होने मजबूरी है, काम भी करना है तो दिल ही दिल में मांगे, लेकिन उस वक्त अल्लाह के साथ जुड़ जाए मांगे। जिसने ये काम कर लिया, याद रखिए अपनी जुबान से निकली हुई दुआओं को अपनी आंखों से कबूल होता देखे, मजा तो तब है हम करें, ये तो सुन लिया ना, सुन के होगा कि अच्छा जी बड़ा मजा है जी, बात बड़ी अच्छी, मजा कब आएगा, जब हम अमल करेंगे। अब दो बातें सुन लीजिए, ये भी बड़े की पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो अल्लाह वालों की सोहबत में, खिदमत में आने जाने से मिलते हैं। इनमें से बहुत सारी बातें आपको किताबों में नहीं मिली, पसीना पसीना चल रही। ब्लूटूथ होता है मोबाइल में आजकल, नीला दांत क्या इसके तर्जुमा के, नीला दांत एक इधर भी ब्लूटूथ लगा, अगर दिल की स्क्रीन साफ हो और सिग्नल ठीक आ रहे हों तो फिर एक रब्ता होता है, फिर ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्हाम फरमाते हैं बातों का, दिल में इल्हाम फरमाते हैं, जिसको हम आज की जुबान में डाउनलोडिंग कहते हैं, उधर से भी डाउनलोडिंग होती है, लेकिन जब कनेक्शन हो, रब्ता हो और दिल की स्क्रीन साफ हो तो फिर डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है। اللهم الهمني رشدي واعذني من شر الوسواس دلوں میں بات ڈالتے ہیں تو دو باتیں سن لیجیے پھر انشاءاللہ بات ہوگا مل کر بلکہ آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ اپنے جمعے کے بیانات میں اور لوگوں کو بتائیں دونوں باتیں اگر رمضان سے پہلے خوب اچھی طرح جو ہے نا یہ لوگوں کے علم میں آ جائے رمضان سے پہلے تیاری کر دیں جتنے یہاں بیٹھے ہم بھی الگ ہیں میں بھی الگ ہوں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر پکی مل گئی طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے پر عمل کیا لیلۃ القدر مل گئی دوسری جہنم سے برات اور نفاق سے برات ابھی بتاتے ہیں اگلی خود کو بتائیں ابھی بتا دیں اس جمعے کو بیان اچھا میں جمعے کو لوگوں کو بتایا جائے بیان بھی کرنا ہے بتا دیں جہاں سے جہنم سے بھی برات اور نفاق سے بھی برات، یہ حدیث، اس کا ویسے رمضان سے تعلق کوئی نہیں، سارے سال میں کبھی بھی کوئی بھی کر سکتا پورے سال کی بات، لیکن 40 دن مسلسل تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کر رمضان میں بہت آسان ہو جاتا ہے، رمضان کے 30 دن میں تو بے نمازی بھی نمازی ہوتا ہے، تو 30 دن رمضان کے باجماعت پڑھ لیے تکبیر اولی کے ساتھ، 10 دن اگلے پیچھے ملا لیے تو کتنا آسان ہو گیا، تو جہنم سے بچنا کتنا آسان، نفاق سے بچنا کتنا آسان، رمضان میں تو بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ تو 10 دن اور بھی لگا لیتا ہے پھر اولا بھی والی، کتنا آسان پیکج ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بتانے چاہیے نا لوگوں کے، بس اپنے تک کے رکھنے، اکیلے ہی بچنا جانا ہے، سب کو بچانا ہے، آسان چیز ہے، لوگوں کا کام آسان کر کے بتائیں نا، تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں، چلو 40 دن ہی تو ہے نا جہنم سے تو بچے گی،
दूसरा राज भी सुन लीजिए, ये भी एक राज है, राज की बात। वो क्या, एक अमल आपको बता रहा हूं, जिस शख्स ने ये अमल कर लिया उसको पूरा महीना तहज्जुद का भी सवाब मिलेगा और जो रात की शब बदर की होगी इसको मिल गई। 83 साल की इबादत एक तरफ, एक रात एक तरफ। वो क्या करना, जब रमजान के चांद का ऐलान हो जाए, हमने तरावी पढ़ ली, पहला रोजा भी नहीं रखा, पहले रोजे की सहरी कर ली, हम क्या करें, सहरी के वक्त रोज आना शुरू रात से लेकर ईद की रात तक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इबादत में दुआ करने, तहज्जुद पढ़ने, तिलावत करने, सदका करने, कुछ भी नेकी का काम करने, जो मसूलात है। अगर माजूरी का अयाम है तो भी बहुत सारे काम तो उसकी दुआ हो सकती है, सदका दुरूद शरीफ हो सकता है। तो तमाम लोग क्या करें कि रमजान की पहली शब से लेकर ईद की शब तक अजान फजर से पहले का 10-15-20 मिनट का वक्त इबादत में मुसल्ले में अलग होते थे। क्या होगा, इसे क्या होगा जी, पूरा महीना तहज्जुद का सवाब मिल गया, अगर दो रकात भी पढ़ते रहे कम से कम चार पढ़ लें। दूसरा क्या मिला, जो रात की शब बदर की थी वो हमें मिल गई। कैसे, हदीस के अंदर आते शब बदर रमजान की कोई रात, फिर आपने फरमाया आखिरी 10 रातों में से कोई हो सकती है, फिर फरमाया ताप रातों में से कोई हो सकती है, तो भाई आपने निशानी दे दी। तो जिसने पूरा महीना इबादत कर ली तो जो भी रात थी मिल गई, 20 मिनट रोज लगाए, 15 मिनट रोज लगाए और शब बदर मिल गई, तो कितना आसान पैकेज है। इंशाल्लाह आगे बयान में शब बदर की फजीलत मजीद भी बयान की जाएगी, लेकिन एक ईजी पैकेज है। अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है, तो दलील भी तो होनी चाहिए ना, ऐसी शब बदर बांट रहे, मैं तो नहीं बांट रहा भाई, मैं तो बता रहा हूँ अल्लाह पाक अता फरमाए, जो भी ये कहे वो तुम भैया दलील भी सुनिए। कुरान मजीद में जहाँ शब बदर का जिक्र है वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं या हत्ता मतलई फज्र, वो वक्त रहता है फजर के अजान तक, सुबह तक रहता है, जब भी वो खास वक्त शुरू होता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और फैल जाना, मुसलमानों की दुआओं पे आमीन कहना, तो जब भी वो आते हैं नुज़ूल जब भी होता है, वो रहता कब तक है फजर के अजान तक। तो जिसने आपने 15-20-25 मिनट ये रोज लगा लिए, तो जो भी रात हुई और जब भी वो आए हमें पता लगे न लगे हमें भी, तो आसान सी बात है। तो ये राज ऐसा है जो ओपन है, ये कीमती बात है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस आने वाले रमजान को खूब अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले ऐलान सुन लीजिए, कल हमारे यहाँ घर पे इंशाल्लाह हजरत मौलाना अफीक रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, कोशिश करेंगे कल शौक से आए और उनको लेकर आए और बहुत मुफीद बताए रहे थे। मैंने कहा था मुझे टॉपिक बताइए, किस टॉपिक का अनाउंस करें, उन्होंने कहा कि मैं एक घंटे में इतना कुछ बता दूंगा कि हर बंदा खुश हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक फैलने हैं। तो कई पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए, तो मैं नहीं बता रहा, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, कल आया तो सीखने को बहुत कुछ मिला। विरासत का कहने लगे 10 मिनट में, मैंने उनको कहा था विरासत के ऊपर एक घंटा बात कर रहे हैं, कहते हैं 10 मिनट में मैं ऐसी बात कर लूंगा इंशाल्लाह आपको एक हफ्ते की जो तफसीलात है ना मैं 10 मिनट में दे दूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त खुलासा जो है ना वो इंशाल्लाह वो बताएंगे। तो कल असर से मुझे घर में अम्बाला हाउस में इंशाल्लाह तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए जो बैत होना चाहे बैत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह अपनी खास रहमत से हम सब के तमाम सगीरा कबीरा और बच्चे गाजी बाकी तमाम को माफ करना। अल्लाह तमाम हाजी तमाम दिली ने जो है हजार सल्लल्लाहु तआला